इस फील्ड में सफारिश तो चलती है, ऑब्वियसली ये तो है इस फील्ड का हिस्सा, बट मुश्किलें बहुत ज़्यादा है, स्ट्रगल बहुत करनी पड़ रही है। इस मुआशरे में कहा जाते हैं कि फील्ड बहुत गंदी है, और सब बातें करते थे कि किस फील्ड में भेज दिया, मेरी फैमिली इवन मुझे सपोर्ट नहीं करती थी, मेरी फैमिली मुझे बहुत बातें करना शुरू हो गई थी, और ऐसा बोलता है और वाकई बोलता है, मोहब्बत प्यार सब कुछ एक अलग चीज़ है। इनर पाकिस्तान की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अदाकारा चाइल्ड स्टार रिदा आसम, उनसे गुफ्तगू करते हैं क्योंकि आज उनकी सालगिरह भी थी, इस हवाले से भी और कुछ उनकी शोबिज़ सरगर्मियों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं रिदा? बिल्कुल ठीक ठाक, कैसे हैं? सबसे पहले तो आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। अच्छा रिदा, ये बताएं कि आपने कौन सी एज में काम स्टार्ट किया था शोबिज़ का? 7 ईयर्स की थी तब से मैंने शोबिज़ का काम स्टार्ट किया, और अब मैं चाइल्ड नहीं रही, आपने चाइल्ड बोला, अब मैं यंग हो गई हूँ, तो अब चाइल्ड का नाम मिट गया है, छापा जो था। तो 7 ईयर्स की थी तब से मैंने वर्क स्टार्ट किया, और अब मैं 20 ईयर्स की हो गई हूँ। और कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी तक कर चुकी हैं आप? PTV के मैंने 5-6 प्रोजेक्ट्स कर चुकी, TV1 का, जियो का, और TV1 का, A+ का, और डॉक्यूमेंट्रीज कर चुकी हूँ, शॉर्ट मूवीज़, TV सीरीज। अच्छा रिदा, ये बताएं जब आपने काम स्टार्ट किया तो क्योंकि आपने चाइल्ड स्टार से शुरू की तो उस वक्त कोई मुश्किलें आईं और सिफारिश के साथ काम मिला था या टैलेंट के साथ? ऑब्वियसली इस फील्ड में सिफारिश तो चलती है, ऑब्वियसली ये तो है इस फील्ड का हिस्सा, बट मुश्किलें बहुत ज़्यादा है, स्ट्रगल बहुत करनी पड़ रही है, और अभी भी स्ट्रगलिंग ही है। क्या कहेंगी कि जो आना चाहें आपकी तरह चाइल्ड स्टार, या जो आके टीनेज में आना चाहें इस फील्ड में, उनके लिए क्या मशवरा देंगी आप? वो ज़रूर आएँ, इस फील्ड को ज्वाइन करें, और बहुत सी हमारे इस मुआशरे में कहा जाते हैं कि फील्ड बहुत गंदी है, बट ऐसा कुछ नहीं है, फील्ड बहुत पाक है, बहुत अच्छी है। आपकी सेंस आपके नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, आप अगर पॉजिटिव हैं तो आपके लोग भी पॉजिटिव हैं, आप मिलते हैं, और आप पर डिपेंड करता है ये कि आप किस तरह सबसे मिल रहे हैं, कैसी सेंस रख के, कैसी आप थाट रख के। तो मेरा तो यही है कि आप आएँ और बहुत बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ज्वाइन करें इस फील्ड को, और सब ज्वाइन करें। अच्छा रिदा, जैसे आपने कहा कि इस फील्ड को गंदा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? आपने भी सुना होगा, आपकी फैमिली में भी कुछ शोबिज़ में और तो है नहीं, आप ही हैं, और वो भी आपने सुनी होगी बातें, फैमिली की तरफ से क्या बातें सुनना पड़ी और लोगों की तरफ से क्या बातें सुनी, साथ आपने स्टडी भी जारी रखी, तो उस वक्त जो आपके क्लास फेलो थे या अभी जो आपके क्लास फेलो हैं उनकी क्या फीलिंग होती है? पहले ये होता था कि जब काम नहीं होता था और सब बातें करते थे कि किस फील्ड में भेज दिया, मेरी फैमिली इवन मुझे सपोर्ट नहीं करती थी, मेरे बाबा मामा मुझे सपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, बट मेरी फैमिली मुझे बहुत बातें करना शुरू हो गई थी। जब काम नज़र आ रहा है कि हाँ हमारी बच्ची घर की और इस तरह से पॉपुलर हो रही है और सब, तो सब प्यार करते हैं। मेरे ख्याल से कि मैंने जो जजमेंट किया है इस एज में कि पैसा बोलता है और वाकई बोलता है, मोहब्बत प्यार सब कुछ एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आपके पास पैसा होता है तो कोई आपको मुश्किल नहीं होती, और एक जब आप मशहूर हो जाते हैं तो दुनिया आपके पीछे होती है। मेरा एक वही सवाल, उसका जवाब अभी तक नहीं दिया कि इस फील्ड को गंदा क्यों कहा जाता है? गंदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आई थिंक कि आप जब जिस मुआशरे में आप रह रहे हैं, यहाँ पे आप यूरोप चले जाएं, आपको ड्रेसिंग के हिसाब से, आप शॉर्ट्स पहन रहे हो, आप जीन्स यूज़ कर रहे हो, आपको मर्द के साथ बैठना उठना आप चलते हैं, मर्द के साथ उठते हैं बैठते हैं, तो इस वजह से शायद कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो अपनी लड़कियों को पढ़ने नहीं देती, बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि मर्द हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इस वजह से शायद इसको गंदा कहा जाता है। कौन सा करेक्टर जो आपका यादगार रहा, जो आपकी पहचान बना? पहचान अभी मैंने टेली मूवी की है, वो अमेरिका से उसने अवार्ड जीता है और फेस्टिवल में, तो वो है शाउट, और मैं चाहती हूँ कि आप भी उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें उसके चैनल को भी, और आप वो देखें, और आई होप कि वो मेरी एक पहचान बनेगा किरदार बुशरा के नाम से। उसकी स्टोरी क्या है ये ज़रा नाज़रीन को बता दो। उसकी स्टोरी यही है कि बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, छोटी एज में शादी कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं आप लड़कियों को, ख़ास तौर पे लड़कों, तो फिर ज़्यादा ही कहा जाता है कि लड़के को पढ़ाया जाए लड़की को नहीं, बट हमने ये बताया कि लड़की का भी पढ़ना ज़रूरी है और शादी छोटी एज पर नहीं करनी चाहिए, अगर आपका बच्चा कुछ करना चाह रहा है उसको आप सपोर्ट करें ताकि वो एक बड़ा मर्द बन के आपको दिखाए, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। चलिए, आज आपने सालगिरह पे लोगों को इकट्ठा किया, तो ये पहली सालगिरह इतनी गैदरिंग वाली थी या पहले भी इस तरह की होती? मेरी फैमिली जब भी मेरी सालगिरह आती है तो मेरी फैमिली में होती है, बट इस बार मीडिया आया है, सब आप आए हैं, थैंक्स अ लॉट, सब आए हैं मेरे फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी के, तो ये मेरी यादगार बर्थडे है।
सभी आपने यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, तो यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स की क्या फीलिंग होती है जब आप शुरू शुरू में उन्हें पता चला कि आप एक आर्टिस्ट भी हैं? यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स जब मैं स्टार्टिंग में गई तो सबको किसी को नहीं पता था, इतना आइडिया नहीं था, लेकिन जब पता लगा मैंने शॉर्ट मूवीज़ की, उन्होंने देखी, और GC में ड्रामेटिक क्लब में ज्वाइन किया हुआ है, वो सब मिलते जुलते रहे, सब पता लगा, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कि GC अंदर बैठी हुई है और सब मेरे फ्रेंड्स आए हैं और आपको बताए दोस्तों से बाहर हैं। एक चीज़ और हमने बड़ी नोट की है कि GC के जो आपके फ्रेंड्स आए हैं उनमें ज़्यादातर पश्तून हैं और पंजाबी बहुत कम, इसकी क्या वजह? मुझे खुद नहीं पता है वजह, मैं खुद कहती हूँ कि GC में पश्तून ही सारे क्यों इकट्ठे हुए हैं, मुझे खुद इसकी वजह नहीं पता चलती। पठान पश्तून और वो सराइकी और पंजाबी बहुत कम है। अच्छा, आज आपने जो पश्तून पर डांस भी किया है वो इन लोगों से सीखा है या कुदरती? इन लोगों से ही सीखा है, क्योंकि हमारे ड्रामेटिक में ज्वाइन किया आपको बताया, और इवेंट्स होते रहते हैं, कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं, इसकी वजह से हम ये डांस करते हैं और ये हमारा आम डांस है। GC में तो ये बिल्कुल आम है, ये हम करते रहते हैं डांस। अच्छा, आखिर में हमारे नाज़रीन के लिए क्या मैसेज देंगी अपनी सालगिरह के हवाले से, अपने काम के हवाले से? सालगिरह पे तो बहुत इंजॉय किया है, माजिद नवाज सर आए हैं और बहुत से लोग आए हैं जो मुझे नहीं पता था कि आएंगे, बट उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। इमरान सर, बहुत शुक्रिया आपका। और नया साल, हैप्पी न्यू ईयर, नए साल का पहला दिन है और मेरी दुआएं हैं, बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ, बहुत खुशियाँ आएँ, जो गम हैं आपके पुराने साल के वो ना आएँ, जो मुश्किलें थी वो ना आएँ, बहुत आसान ये आपका साल गुजरे, मेरी मम्मा की, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली सबकी दुआएँ आपके साथ। जी, तो आपने रीता आसिफ की बातें सुनी, मुझे और रीता को इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।